नमस्कार, मैं पंडित राम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल। आज कुछ ऐसे विषय को लेके आया हूं जिसको जान के, जिसको समझ के आप अपने जीवन में हर एक आधे व्याधि का आकलन कर सकते हैं। किस प्रकार से भूत प्रेत पिशाच जादू टोना का प्रभाव होता है, उसकी जानकारी आज मैं ज्योतिष के माध्यम से लेके आया हूँ। और इस माध्यम से आप इसकी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण रखिए, क्योंकि हर किसी को कभी ना कभी किसी न किसी समय इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऊपरी हवा, जादू टोना, भूत प्रेत, आधे व्याधि, इन सब का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए कैसे जाना जाए, किस प्रकार से जानकारी प्राप्त किया जाए और किन किन लोगों पर इसका प्रभाव जल्दी होता है, कैसे होता है, वह विषय लेके आया हूँ। आइए जानते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा अथवा लग्न या लग्नेश पर राहु केतु का प्रभाव है तो जातक पर ऊपरी हवा, भूत प्रेत, जादू टोना, इनका प्रभाव, इनका असर शीघ्र हो जाता है। दूसरा यह जानकारी है कि सप्तम या अष्टम भाव में क्रूर ग्रह, सप्तम या अष्टम भाव में क्रूर ग्रह राहु केतु, मंगल, शनि पीड़ित अवस्था में हो तो भी यह जान लीजिए कि जातक के ऊपर यह ऊपरी हवा, जादू टोना, भूत प्रेत, पिशाच बाधा अत्यंत शीघ्र ही शीघ्र अपना प्रभाव डाल देता है। तीसरा क्या है कि लग्न भाव, लग्न भाव, आय भाव अथवा मारक भाव पर पाप ग्रह का प्रभाव रहता है तो जातक स्वभाव से प्रायः निर्बल रहता है, कष्ट रहता है उसको, प्रायः उदासीन रहता है, मन गिरा रहता है। तो यह जो जानकारी है मैंने ऊपरी हवा, भूत प्रेत, पिशाच के बारे में बताया कि अगर कुंडली में ऐसे ग्रह, ऐसे संयोग, ऐसी दृष्टियाँ बनती हैं तो यह कारण जो होता है ऊपरी बाधा का कारण बन सकता है। तो इसका उपाय शीघ्र से शीघ्र कराना चाहिए और आशा करूँगा यह जानकारी, यह जो भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हैं, जो इनको मानते हैं, यह जानकारी प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में खुशियां, समृद्धि लाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम।